विधानसभा में लात घूंसे चलने, माइक उखाड़कर फेंकने की घटनाएं तो आपने अक्सर ही देखी होंगी, मगर बरेली नगर निगम बोर्ड की बैठक में इससे भी दो कदम आगे का नजारा देखने को मिला। सत्ता पक्ष भाजपा के ही एक पार्षद विपुल लाला लुंगी बनियान में कटोरा लेकर भीख मांगने लगे। उनके गले में एक तख्ती भी लटक रही थी जिस पर लिखा था, करदाताओं का प्रतिनिधि, भिक्षा मांगे या अधिकार तय करो। जब पार्षद ने कटोरा महापौर डॉक्टर उमेश गौतम के आगे बढ़ाया तो उन्होंने उनसे सदन से बाहर जाने को कहा। जब विपुल लाला नहीं माने तो महापौर ने उन्हें 3 बैठकों के लिए निलंबित करने का ऐलान कर दिया। इसके साथ ही सदन में पुलिस पहुंच गई। विपुल लाला को पुलिस ने पकड़ना चाहा तो साथी पार्षद उनके समर्थन में आ गए। सदन का नजारा दंगल में तब्दील हो गया। पुलिस से पार्षदों की धक्का मुक्की शुरू हो गई। भाजपा के एक अन्य पार्षद मुकेश मेहलोत्रा ने महापौर के गनर पर थप्पड़ मारने का इल्जाम लगाया है। सदन के बाहर पार्षद धरना देकर हंगामा करने लगे तो पूर्व महापौर डॉक्टर आईएस तोमर भी वहां पहुंच गए। उन्होंने पार्षदों की हिमायत करते हुए घटना को शर्मनाक बताया। महापौर का कहना है कि विपुल लाला अर्धनग्न अवस्था में आकर सदन का अपमान कर रहे थे, इसलिए उनके खिलाफ ये कार्रवाई की गई। वहीं पार्षद विपुल लाला का कहना है कि महापौर के खिलाफ वह हाईकोर्ट में मुकदमा लेकर गए हैं, इसलिए वह उनसे खुन्नस खाते हैं। बहरहाल सदन में जो कुछ हुआ उससे नगर निगम में मजबूत भाजपा की अंतर्कलह बाहर आ गई है। देखिए, हमारी सदन की बैठक चल रही है, सामान्य बोर्ड की बैठक है। इसमें एक माननीय पार्षद हैं विपुल लाला, वो सदन में प्रश्नकाल के दौरान नग्न होकर बीच में आ गए, वेल में आ गए, और यहाँ पर हमारी माताएं बहनें पार्षदगण बैठी थीं, शर्म के मारे उनके सर झुक गए। तो उनको आगामी 3 बैठकों के लिए निलंबित करते हुए मैंने उनसे आग्रह किया कि आप सदन को तत्काल छोड़ दें और सदन से बाहर निकल जाएं। बाहर निकलने की बजाय मुझे लगता है कि उन्होंने पता नहीं किस मानसिकता का वो अपना परिचय दे रहे थे, वो जाके जोर जोर से चीखने लगे, बदतमीजी करने लगे और यहाँ से निकलने के लिए तैयार नहीं थे। ऐसी स्थिति में सदन की गरिमा बनाने के लिए हमने अपने स्टाफ को भी बताया और जो पुलिस बल बाहर रहता है उनको भी बुलाया गया कि इनको बाहर ले जाया जाए। उसमें कुछ पार्षद अपने आप को मीडिया में लाने के लिए, अखबार में छपवाने के लिए इस तरह की बात कहने लगे कि साहब हमें मारा गया है, जबकि सारे वीडियो रिकॉर्डिंग्स हैं, किसी तरह की कोई घटना ऐसी नहीं हुई, सिर्फ एक प्रोपेगेंडा बनाने की बात की जा रही है। लेकिन उस पार्षद को बचाने की बात की जा रही है कि उसका निलंबन माफ़ कर दिया जाए, लेकिन किसी भी सूरत में उसका निलंबन माफ़ नहीं होगा, वो सदन से निलंबित ही रहेंगे। विपुल लाला पहले भी विवादित रहे हैं, उन्होंने पहले भी कई बार ऐसी चीज़ें की हैं जिससे पहले भी उनका FIR हुई है। क्या कहना है कि ये षड्यंत्र के तहत ही कुछ हुआ था जी? पहले से ही वो षड्यंत्र की तैयारी थी, षड्यंत्र की उनकी तैयारी थी, पहले से ही कुछ बताया गया मुझे अभी कि वो कटोरा वगैरह लेके आए थे। और किसी भी सदन, मैं तो कहता हूँ सदन तो बहुत बड़ी बात है, सड़क पर भी इस तरह का नग्न होकर चलना अपने आप में एक बहुत बड़ा अपराध है और उस अपराध के खिलाफ भी देखिए, हमारे पास वीडियो रिकॉर्डिंग भी है, हमारे पास वो माता बहनों के सर झुके हुए सर भी हैं जिन्होंने, उन्होंने खुद आपको बयान दिया है कि हमारे शर्म के मारे सर झुक गए, निंदनीय कृत्य था, ये बयान आप ही को दिया है, उसी बयान से आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति रही होगी। हमारे एक साथी विपुल लाला है, उनको इसी विषय में माननीय बाबू जी ने सदन से बाहर करने के लिए कहा, तो हम लोगों ने कहा साहब हम लोग कर देंगे। इतनी देर में पुलिस बुला ली गई, उनको हाथ पैर पकड़ के और हाथ मतलब पिटाई जैसी स्थिति में ले जाने लगे। तो जब मैं आगे बचाने लगा तो वो चौधरी एक सिपाही है, उसने मेरे ही मारा, ये निशान है। और जब उसके बाहर आके कहा, कहते तेरे जैसे पार्षद कितने आएंगे, तुझे तो मैं तो जल्द गोली मार दूंगा। उनने चाल निकाली बाहर आकर और मेरे झापड़ में मारा, मेरा हाथ मोड़ा और साथ में मेरे भाई अमित यार थे, उन्होंने बचाने की कोशिश की, उसके साथ बदतमीजी करी। हाँ कुछ नहीं, FIR कराएंगे उसके खिलाफ, ये अभी FIR दे रहा है, FIR कराएंगे उसके खिलाफ और बोर्ड की बैठक नहीं होगी। भाई कोई बात अपना प्रश्नकाल विपुल ने ध्यान नहीं हुआ है, वो लुंगी पहना, लुंगी के अंदर पैंट पहने हुआ था, उनने शर्ट डाली थी। चलिए माननीय महापौर जी ने उसको बाहर करने का देगा, ये थोड़ा कि पुलिस वाले आएंगे मारने लगेगा इस साथी को हमारे।
फिर सब लोग पहुंच गए तो मुझे बचाया, वरना वो तो मुझे भी खींच के ला रहा था बाहर। सारे साथी पहुंच गए तो हमने बचा पाए अपने आप को।